और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पेपर लीक मामले की सुनवाई करेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, नीट मामला जिस पर पहले भी देखिए सुनवाई यहाँ पर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था ये मामला बेहद गंभीर है। आपको हम बता दें 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आखिरी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई को टाला था, सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी थी आज का दिन, उसके बाद मुकर्रर किया गया था। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली है। 40 से ज्यादा याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 11 जुलाई को इस मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए टाला था, आज एक बार फिर से इस पर नजर रहने वाली है। इसी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें सीबीआई ने पटना एम्स के 3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको पकड़ा है, हिरासत में लेकर डॉक्टर से पूछताछ जो है वो फिलहाल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को भी पकड़ा है, तीनों डॉक्टर्स के रूम भी सीबीआई ने अभी सील कर लिए हैं, और साथ ही बताया जा रहा है कि डिजिटल एविडेंस के लिए लैपटॉप मोबाइल फोन भी सीबीआई ने जब्त किए हैं, जिसकी अब जांच की जाएगी। और आशंका यह है कि इनका भी कनेक्शन इस मामले में रहा है, तो सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को पकड़ लिया है। तो जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई तार जुड़ते हुए जा रहे हैं।